जनपद मैनपुरी में भले ही कागजों में बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं दी जा रही हों, जी हां, लेकिन अब इन तस्वीरों को देखें तो स्वास्थ्य विभाग की सारी पोल खुलती हुई सामने नजर आ जाएगी। तो चलिए आपको दिखा रहे हैं वो तस्वीरें, चलिए आपको ले चलते हैं जिला अस्पताल में, जहां मरीज पेट दर्द के चलते अस्पताल के फर्श पर तड़प रहा है। दरअसल मामला जिला अस्पताल का ही है। यह वाक्य उस समय मानवता शर्मसार करता हुआ नजर आ रहा है जब एक व्यक्ति पेशाब बंद होने पर पेट दर्द से व्याकुल हो रहा है, लेकिन कोई भी डॉक्टर इस मरीज को उपचार देने के लिए आगे नहीं बढ़ा। वहीं दूसरी ओर देखें तो स्वास्थ्य विभाग गाने बजाने में मस्त नजर आ रहा है। जी हाँ, बुद्धिजीवियों की माने तो डॉक्टर को दूसरा भगवान कहा जाता है, मगर इस धरती के भगवान की मान्यता शून्य हो चुकी है। अधिक कमाई के चक्कर में भगवान कहे जाने वाले डॉक्टर उसी मरीज को अच्छी तरह से देखते हैं जिस मरीज से उन्हें अच्छा सुविधा शुल्क मिलता है। जी हाँ, दबे कुचले गरीब घरानों से आने वाले मरीजों को जिला अस्पताल के डॉक्टर कोई तवज्जो नहीं देते हैं। गुरुवार को ऐसा ही एक नजारा जिला अस्पताल परिसर में देखने को मिला। आपको बता दें कि थाना दनाहार क्षेत्र का पिंटू नाम का एक युवक पेट की असहनीय पीड़ा से परेशान होकर उपचार के लिए जिला अस्पताल परिसर पहुंचा। कभी वह पर्चा काउंटर पर जाता तो कभी भागकर डॉक्टर के कक्ष तक जाता। जी हां, असहनीय पीड़ा होने के कारण वह पर्चा भी नहीं बनवा पाया। इसके बाद उसको और असहनीय पीड़ा होने लगी, जिससे छटपटाहट होने के कारण वह अस्पताल परिसर में ही जमीन पर जा गिरा। काफी समय तक वह अस्पताल परिसर में दर्द से कर्राता मदद की गुहार लगाता रहा, मगर निर्दयी किसी भी अस्पताल के किसी भी कर्मचारी का दिल नहीं पसीजा। जी हां, आपको बता दें कि अस्पताल उपचार के लिए मरीजों के साथ आने वाले तीमारदार भी केवल तमाशबीन खड़े देखते रहे। यह कोई पहला मामला नहीं है, इससे पूर्व भी दर्जनों मरीजों के साथ ऐसी घटनाएं घटित हो चुकी हैं। जी हां, प्रदेश की भाजपा सरकार सर्वजन सुखाए का नारा देती है, मगर उनके ही नुमाइंदे उनके अरमानों पर पानी फेरने का काम कर रहे हैं। अगर बात स्वास्थ्य केंद्र कुरावली की करें तो इस वायरल वीडियो की तस्वीर को देखिए। चिकित्सकों और ANM के अलावा अन्य स्वास्थ्य कर्मचारी की तो यह अस्पताल के एक मीटिंग हॉल में गोपनीय मीटिंग चल रही है। जी हां, मीटिंग के दौरान चिकित्सा अधिकारी मुनेंद्र सिंह चौहान के साथ समस्त स्टाफ मौजूद है, तो वहां पर ऐसा क्या हो रहा है देखिए कि स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी अंताक्षरी और नाच गाने में मस्त हैं, तो इसीलिए तो हम कहते हैं कि उत्तर प्रदेश सरकार भले ही स्वास्थ्य सेवाओं का दोस्त कराने में जुटी हुई हो, लेकिन ऐसे कर्मचारी क्या इन सेवाओं को बदस्तूर जारी रख पाएंगे, क्या लोगों को बेहतर सुविधा दे पाएंगे। आपका श्यामा देवी? ये कौन है आपके लड़का? क्या हो गया ने? पेशाब बंद है। पेशाब बंद है? हाँ। अच्छा, डॉक्टर क्या कह रहे हैं? ये कह रहे हैं कि यहाँ जाने क्या नहीं है, सेवाई के लिए रेफर कर रहे हैं। अच्छा, ये बहुत देर से तड़प रहे हैं अभी, डॉक्टर क्या कह रहे हैं? यहाँ कह रहे हैं बाहर ले जाओ यहाँ से। हाँ। कहाँ के लिए बता रहे हैं? सेवाई के लिए। क्या यहाँ क्या कह रहे हैं, इलाज नहीं है क्या इसका? जाना सर, अब क्या बता दें। अच्छा, यहाँ डॉक्टरों ने कुछ नहीं है यहाँ। अच्छा, कितनी देर से तड़प रहे हो आप? 1 बजे में। अच्छा, कोई गाड़ी नहीं आई, अभी गाड़ी आई है।
मैं सुबह ये इस बात संज्ञान में आई थी, जो मैं जिला अस्पताल जाकर के मैंने पता किया तो एक पिंटू नाम का बच्चा था, वो लड़का था, वो जो तन्नाहार से आया था, तो उसके जो पेट में दर्द था और जो यूरिन रिटेंशन की शिकायत थी, तो वो जो बाहर गिर गया था और जो उसकी जो जाँच की गई उसके बाद फिर उसका इलाज भी किया गया, लेकिन उसमें क्या पूरा प्रकरण है और उसके लिए हमने जाँच के लिए उनको लिखा है मुख्य चिकित्सा अधीक्षक को, और इसमें जो दोषी पाया जाएगा उसके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। JBD Banquets लाए हैं इनक्रेडिबल मैरिज पैलेस राजघराना एंड द फाइनेस्ट बैंक्वेट हॉल ज्योति गार्डन, वर्ल्ड क्लास केटरिंग, सेंट्रली एयर कंडीशन, लश ग्रीन लॉन्स, स्टेट ऑफ द आर्ट लाइटनिंग, अ परफेक्ट वेन्यू फॉर वेडिंग, लॉन्चिंग एंड पार्टीज। राजघराना एंड ज्योति गार्डन एट JBD Banquets Enterprise। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।